नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अभी हम लोग प्रयागराज के बलीपुर में है और ये रोड आप जो देख रहे हैं ये यहाँ से मियापुरा ले जाएगी और फूलपुर से बारी वाले रोड में कनेक्ट करेगी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से बलीपुर से चलेंगे दशहर तक और वहाँ से आप लोग दशहर से मियापुरा वगैरह जा सकते हैं। आइए फिर चलते हैं, हम लोग यहाँ से दशहर तक की दूरी तय करते हैं। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी, 5 से 6 किलोमीटर की दूरी हम लोग यहाँ से तय करेंगे। ये पूरा यहाँ से 12 किलोमीटर है। दोस्तों ये ग्रामीण इलाके की सड़कें हैं। डबल लेन है, एक ही तरफ जाने का है और आने का है, डबल लेन है। और ये देखिए पुलिया बनी थी यहाँ पे, देखिए बैठ चुका है ये पुलिया। दोस्तों हम लोग लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, 6 किलोमीटर बलीपुर से दशहर तक। देखते हैं कि हम लोग कितनी देर में पहुँचते हैं, क्योंकि गांव की सड़कें दोस्तों तो थोड़ा धीमा चलना पड़ता है। देखिए गांव में ये लोग ऐसे रोड पर गाय भैंस का गोबर देखे फेंके रहते हैं इसी वजह से। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग रोड पर ना फेंकें, क्योंकि गांव में जगह काफ़ी होती है, खेत का खेत में रख दें डाल दें तो लोग रोड पर डाल देते हैं, जिससे चलने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए इस पर जगह जगह ब्रेकर बनाए गए हैं इस रोड पर। देखिए एक कॉलेज आ गई है, इंटर कॉलेज है। और उसको देखिए गांव में इसी प्रकार से देखिए पाइप भी फैला देते हैं रोड पर, देखिए खेती करते हैं यहाँ पे। एक इधर से भी पाइप फैला गया है दूसरी मशीन द्वारा। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC यहाँ पे है। हम लोग यासीनपुर आ गए हैं। यासीनपुर का ये छोटा सा मार्केट है जिसको हसीनपुर भी बोलते हैं। देखिए ये यासीनपुर है, आगे दोस्तों आने वाला है बरुआ बोझ। दोस्तों हम लोग यहाँ से गांव में जो मकान वगैरह बनाते हैं उसमें जो ईंट वगैरह लगते हैं उसके लिए यहीं से ईंट हम लोग ले जाते हैं। तो यही इकट्ठा है, देखिए यहीं से ईंट बनता है, यहीं से ईंट लोग ले जाते हैं। ये बच्चे हैं यहाँ पे, जो कि आज उत्सव मनाया जा रहा है, 75वां आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है।
अपने देश में, जिसको ये बरुआ बोझ आ गया, आगे मार्केट भी आ रहा है, छोटा सा मार्केट है ये। दोस्तों गांव इलाके में तो मार्केट उसी प्रकार से होते हैं, आप लोग जो लोग गांव से होंगे वो जानते होंगे, जो भाई लोग शहर में रहते होंगे और यहाँ से रिलेटेड होंगे तो वो लोग अपना गांव देश भी देख लेंगे कि कैसा है अपना गांव। इस प्रकार के मोड़ पर हॉर्न आप लोग जरूर बजाएं, नहीं तो अगला क्योंकि सिंगल रूट है, इधर से भी लोग आते रहते हैं। हम लोग आ चुके हैं बनपुरवा, बनपुरवा तो अभी थोड़ा उधर आगे है, बनवा बोझ ही लाता ही लगा रहा पूरा, आगे बनपुरवा आने वाला है। देख पा रहे होंगे दोस्तों गांव में रोडें इसी प्रकार से होती हैं। दोस्तों पीछे यहाँ पे निशान जा रहा था तो पीछे वगैरह बज रहा था, कोई चीज़ से वहाँ पर हमको रुकना पड़ा, फिर हम लोग चल पड़े हैं। देखिए यहाँ का ये विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, ये बनपुरवा लगाता है जो कि सरकार द्वारा खोला गया है। देख पा रहा हूँ दोस्तों गांव में इसी प्रकार से सड़कें होती हैं और यहाँ लेफ्ट जाएंगे तो आप लोग आरा कला जाएंगे, तो हम लोग स्ट्रेट चलेंगे, दशहर चलेंगे हम लोग, क्योंकि जगह जगह यहाँ पे ब्रैकर वगैरह बनाए गए हैं और यहाँ से मियाँ पूरा 8 किलोमीटर रह गए। आ चुके हैं ईश्वरपुर में, ये ईश्वरपुर लगा रहा है, गांव है ईश्वरपुर। ये जगह जगह यहाँ पे ब्रेकर बने हुए थे, दशहर पहुँचने वाले हैं है सर। देखिए यहाँ पे भी एक विद्यालय है जो कि ईश्वरपुर का है, ये यहाँ का ये छोटा सा मार्केट है ईश्वरपुर का, और आगे आ गया दोस्तों, आगे दशहर चल रहा है। गाँव में दोस्तों इसी प्रकार से चौराहे होते हैं छोटे छोटे, ये दोस्तों दशहर चल रहा है और ये बलीपुर रोड था, दशहर से बलीपुर रोड, और इधर राइट जाएंगे तो हंडिया चले जाएंगे आप लोग। ये लिफ्ट ये तो फिर चल रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे।
मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।